अब देखे होंगे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम में कि आई सपोर्ट दृष्टि आईएएस या बैन दृष्टि आईएएस करके। तो आइए जानते हैं कि यह ट्रेंड क्यों कर रहा है। तो कुछ दिन पहले विकास सर, जो कि दृष्टि आईएएस के फाउंडर है, उन्होंने अपना लाइव क्लास में सीता माता के बारे में कुछ बोले थे, जिसके बाद से ये चीज ट्रेंडिंग पर चल रही है। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। जिस वीडियो को एक छोटा सा क्लिप अपलोड करते हुए प्राची साध्वी जी ने लिखे हैं, रीट्वीट दिस इफ यू वांट बैन दृष्टि आईएएस, और भी इसी तरह से बहुत सारा ट्वीट किए गए हैं इनके अगेंस्ट में, जिसमें वो एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो, जो कि एक एग्जांपल देते हैं। आज से ही एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। सो इस कंट्रोवर्सी में किसी भी तरह का अपना राय बनाने से पहले विकास सर के द्वारा दिए गए रिप्लाई को एक बार जरूर देख ले, फिर अपना राय बनाइए। जितने हिंदू वो लोग हैं उतना हिंदू मैं भी हूँ। मैं इस बात के लिए एकदम निश्चिंत हूँ कि जो बात मैंने कही है उसके प्रामाणिक साक्ष्य हैं, उसके बिना मैंने कुछ भी नहीं कहा है। मैंने ट्विटर पे कम समय गुजारा है, अध्ययन में ज़्यादा गुजारा है, मैं उसी में ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। और प्रसंग इसमें ये है, फिर मुझे कहना खराब लग रहा है, मैंने क्लास में भी ये बात कही है कि कहते हुए मुझे लगता है कि जबान कट जाएगी मेरी, लेकिन अब संदर्भ है तो मैं क्या करूँ, कहना पड़ेगा। इसका ये परिणाम हुआ कि हमारे घर में पहली बार लोग भयभीत हुए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।